गेल्या 7-8 वर्षात MIM ने महाराष्ट्रामध्ये चांगलंच बस्तान बसवलं आहे. तळागाळातील वंचित उपेक्षित घटकांना सोबत घेऊन संघटनात्मक बळ वाढीस लागल्यानं MIM च्या राज्यात एक खासदार, 2 आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधी आहेत. या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक कामकाजाला गती देण्यासाठी MIM ने नाशिक शहरातही पक्षाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगानं अख्तर कोकणी यांची शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा पदग्रहण सोहळा रोटरी हॉलमध्ये मालेगाव विभागाचे प्रमुख जावेद मुन्शी, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर खालिद परवेज, शेरखान निजामत मोहसिन शाह शेरखान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. पदभार स्वीकारल्यानंतर अख्तर कोकणी यांनी सर्व समाजाला सोबत घेऊन कामकाज करण्याची ग्वाही दिली. डॉक्टर खालिद परवेज आणि जावेद मुन्शी यांनी MIM केवळ मुस्लिमांचा पक्ष नाही तर जनसामान्यांचा आधार असल्याचं मत व्यक्त केलं. मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आप लोगों से इतनी बात बताना चाहता हूं कि MIM पार्टी एक सिर्फ राजकीय पार्टी नहीं है, ये सबसे पहले सामाजिक पार्टी है. और ये भी है कि MIM पार्टी सिर्फ मुस्लिम लोगों की पार्टी नहीं है. MIM पार्टी दलित, मागर, जितने भी पिछले वर्ग है, इसमें दलित भी है, इसमें मराठा भी है, हर हर समाज का लोग इसमें काम कर सकते हैं और रह सकते हैं. इसके ऊपर जो लोग जातिवाद का सिक्का लगाते हैं वो बहुत बिल्कुल गलत है. MIM पार्टी जातिवाद पार्टी नहीं है. और मैं एक किसान घराने से हूं, मतलब शेतकरी घराने से मैं हूं. पहले हम किसान है, व्यापारी है हम, तो हमारे रिलेशन सभी लोगों से है, शेतकरी लोगों से है, हिंदुओं से, मुसलमान, गुजराती, सब भाइयों से है. तो हमारा जातिवाद का कोई मकसद नहीं है पार्टी का. पार्टी जो हमारा जो पार्टी है, जो जातिवाद की जो विचारधारा रखती है, जो कट्टरवाद जो विचारधारा रखती है, जो लोग रखते हैं RSS के जो लोग हैं खास करके, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा इसका काम करने का मकसद है. लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ में ज्यादती नहीं होना चाहिए, हमारा काम करने का वो मकसद है. कोई उस वक्त अगर कोई खड़ा होता है तो वो असदुद्दीन आवेसी होता है. मुल्क में सरकार पर, दलित समाज पर जुल्म हो रहा है. हमारे भाई यहां पर अजमल भाई संविधान की बात कर रहे थे. जो संविधान इस मुल्क का कानून है, जिसका हम सब पर एहतराम लाजिम है, उस संविधान को पार्लियामेंट के इहाते में जलाया जाता है और कोई उसकी मुखालफत करने वाला नहीं होता है. और अगर कोई मुखालफत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन आवेसी. मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? जब आपको जरूरत पड़ती है कि आपके अकायद के साथ छेड़छाड़ की जाती है, निसाब में गीता को शामिल करने की बात की जाती है, वंदे मातरम कहने की बात की जाती है और योगा को निसाब में शामिल करने की बात की जाती है, तो उस वक्त कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं होता है जो मुसलमानों की बर वक्त नुमाइंदगी करता हो. सिर्फ उत्तर महाराष्ट्र के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि नासिक जिला टॉप पर रहे और उत्तर महाराष्ट्र टॉप पर रहे. और डॉक्टर खालिद साहब ये बहुत ही काबिल न्यायाधीश, एक नेक और अच्छे इंसान हैं और मैं समझता हूं कि उत्तर महाराष्ट्र की जो जिम्मेदारी एक सही हाथों में इम्तियाज जलील साहब ने और असद साहब ने दी है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे. जैसा कि मैंने बताया कि अभी नासिक की टीम चारों विधानसभा और शहर कार्यकारिणी डिजॉल्व हो चुकी है. हमने कल पत्रकार परिषद देखी थी, ये बात कही, और आज नई जिम्मेदारियां और इसके बाद मुलाकात और इंटरव्यू लेकर सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी. वैसे पेपर में हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं कि जो इच्छुक उम्मीदवार जो जिम्मेदारी लेना चाहे वो आकर जिम्मेदारी ले सकते हैं. सोहळ्याला कोषाध्यक्ष मुख्तार शेख, रमजान पठाण, सलीम शेख, फरीद शेख, निजामत गुलपोथी, शकील तांबोळी, मुजाहिद फारुकी, फारुकी मौलाना, आरिफ मंसुरी, अशफाक सय्यद, सत्तार तांबोळी, अजगर खान उपस्थित होते. गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक.